तीन रन पर आवर क्या कह रहा तुम्हारा टीपर कौन टीपर टीपर क्या कह रहा तुम्हारा टेलीग्राम क्या जीत रही है टेलीग्राम ये बात सोनी का टेलीग्राम ज्वाइन करने के भाई गरीबी चल रही है भाई अब एक आदमी सस्ता ले लूंगा एस ट्वेंटी क्या बच्चे क्या मुंह पे हंस रहे हम उसके बाद फिर घर वाला कहता थी उसको क्या मालूम अरे ये तो आया ही उसने क्या बोला बोले इस पूरी पिक्चर का एक ही मेन खिलाड़ी है लोकेश गहलोत लोकेश गहलोत ने उसको मारा तो मैंने उलझाना शुरू किया मैं सर देखो शिवम और मैं क्या है ना बचपन के दोस्त थे पूरी स्टोरी बता दी दीदी से भी एग्री करा दिया कि शिवम ऐसा ऐसा बच्चा है अरे शिवम है कौन मतलब शिवम ही लोकेश है पूरी कमिटी उनके तीन दिन इस चीज में बर्बाद हो गए कि शिवम कौन है और लोकेश कौन है वो बाद में यही निकला दोनों उनका ऐसा भेजा खराब हुआ और इधर आओ अब तो तत्पेंट दोनों बाहर जाओ बाहर से शिवम को बुला के लाओ इसको बोलते बोले बाहर जाकर शिवम को बुला के लाओ शिवम कौन है देखो अभी जा रहा एक बार तो खुद ने इसके बाप बन के बात कर ली जब क्या पापा गए तो बोला आपसे बात हुई थी बोले कब हुई थी बोले उस दिन मैंने फोन लगाया था बोले कब लगाया था बोले यही बात कर रहा था डरा गया दिनेश बोल रहा है ना नहीं नहीं आपने गलत फोन लगाया अच्छा चल ठीक है उसका बहुत परेशान किया नंबर कहाँ से जुगाड़ करा पास आउट जो हो गए बच्चे हो गए जिनके उनसे नंबर मांगा उसका निकाल के रख दी थी इसकी चीजी तो कोविड ने बचा लिया उन्होंने इसको देके रहता इस बार लेके निकल कॉलेज से हाँ सेट कर रहे थे जितने भी बदमाश है ना उनकी फट जानी चाहिए एक को बताऊं उनके नाम में उनको कंफ्यूज तो अभी भी है अब तो नहीं है अब तो पूरा क्लियर है अरे वो मैकेनिकल का अबे जब पीयू ना के बोले तुम ही हो ना लोकेश गहलोत वही लड़ाई वाले हम गए दोनों गए हम यूं खड़े हुए कितना इंतजार कर रहे थे अपन वाइस चांसलर का हाँ वाइस चांसलर कहीं गया हुआ था तो हम इधर खड़े इंतजार कर रहे तुम वही हो ना लड़े वाले लोकेश गहलोत हाँ अरे 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 बैठ तू भी ऐसे बात करेगा भाई लड़े हमने करी ठीक है तू तो तमीज रख अरे कोरोना बचा ले सीओ अरे उसके एक एक दो दिन चार बाद में वापस गया था वीसी से मिलने वो मिला नहीं मेरे को और अगले दिन न्यूज आ गई कि वीसी को कोरोना हो गया छवा नहीं मिला था गोल रिंग रहती है पूरी तो वैसी रिंग रहती है सारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए रहते हैं चोरी वगैरह सब विषय उनको बड़ा करते उनको लगा हम नए सीख से अब हम बाहर पूरा सीख के आए कि ऐसा ऐसा होता है यहाँ से घुसना यू खुशहाल यू खड़ा हुआ सर प्रतीक को सब मालूम है सर आप उसको बुलाओ ये प्रतीक हाँ बोले तो जानते हो नहीं बोले प्रतीक झूठ मत बोल क्या झूठ मत बोल भाई मैं आया ही नहीं कॉलेज तुमको नहीं मालूम क्या हो नहीं सर तो मालूम ही नहीं
तुम्हें जो घेरना शुरू करा, बोले सीधा बनता है ये वो फलाना ढिकाना, चढ़ गया था ना ये वाले, मैं गरीब, मेरे पापा को लगा दिया आपने, मैं चढ़ गया, मैं मेरा पापा महाराज में रहते हैं, आपने फोन कैसे लगाया, फायर हो गई, कहाँ है फायर की कॉपी, मेरे को हाथ में दो अभी की अभी, मैं ये वो मेरी ढंकर नहीं भरा पाती, गरीब हूँ बहुत ज्यादा, मैं चढ़ गया उनके ऊपर, मैं कहा मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मेरे पापा कहते कहते भीड़ बढ़ता है, आपने फोन कैसे लगा दिया, एफ आई आर हो गई ये वो, चढ़ गया उनके वहां भयंकर, तो उनका लास्ट में एक जवाब आया, अगले दिन पर रिजल्ट चला, मेरा खाटता है, मैंने देखा जिग्गा तो रुपये नहीं है, 6:30 थी ना बोलता फिर भी कम है, कम नहीं होगी, चला बाहर कर, तो बोले ठीक है तुम जाओ, इसके आईडी कार्ड वाले रेट सही थी यार, आईडी कार्ड एक साल हो गया लेने ही नहीं दिया, मैं बहुत तो हम दोनों सफरिंग गेट थे, और हमको मना कर रहा था कि तुम कॉलेज प्रीमाइसेस के अंदर नहीं आओ, अगर तुम आए तो 15 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाओगे, अब हमने एक तो 20 बस फीस भी नहीं भरी, ऊपर से हम सस्पेंडेड, वो बस लो कॉलेज जा रहे धरा गए दोनों धरा गए, बोलो तुम तो तुम्हारा वो दो लाइब्रेरी कार्ड दो, अब कुछ भी हमारा कोई चले जाता तो वहाँ पकड़ा जाते कि प्रतिभा का होना शुरू मिलो, कॉलेज में मैसेज के अंदर थे वही 12 बजे तो सर को नहीं दे सके, तो हमने आएंगे बस ले बस गाड़ी से आ जाएंगे, उसका मालूम नहीं था सस्पेंडेड है, तो वाला नहीं तो 12 ही बजा देता, बोला आ जाओ अब तो तुम, क्योंकि उसको चमका रखा था हमने, उसको आधार कार्ड को एक को तो आधार कार्ड दिखा दो, हाँ अब एक को तो इतनी अच्छी बातचीत कर ली थी, उसका आधार कार्ड दिखा देता था, वो आता था ना वो छोरा पार्ट टाइम, हाँ पार्ट टाइम वो आता था बसपा चेक करने, तो कुछ भी दिखा दो, मगर ये आधार कार्ड बोला हाँ ये रख ले, एग्जाम देने गया, एग्जाम में सब बच्चे को दे रहे, मतलब सब बच्चे एग्जाम में पहुंच गए, एक देने पहुंच गए, और हम तीनों बैठ के पढ़ रहे, और इसने एडमिट कार्ड प्रिंट नहीं कराया, हाँ मेरे को याद कब हुई जब सर ने रोका एडमिट कार्ड ये क्या है, एडमिट कार्ड मेरे शिवम को फोन लगा था, बोला ये भी लगाया होगा, मेरा तो ये रहा क्या करूँ भाई, मैं गया हूँ हफ्ते हफ्ते एडमिट कार्ड प्रिंट करा कर आया, 15 मिनट नहीं कहा, अबे हिट तो जब हुई वो ईमान से मुड़ जानी, यही बात एग्जाम शुरू हुई है, मैं एग्जाम देने गया हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, बाहर बैठे हुए थे हम, वो अंदर गया, मैं भी अंदर गया, हम दोनों एग्जाम दे रहे, मेरे को टॉयलेट है 15 मिनट बाद, मैं बाहर आया, वो भी बाहर आया, मैंने सोचा तू हमें एक टाइम पर टॉयलेट करना है, तो नहीं मेरा हो गया, वो गेट खोल के बाहर, मैं कहा भाई क्या है उसका रिजल्ट कितना आता कि मेरा हो गया तो भाई मेरा हो गया हाजिरी देना था, याद है ना मिलते थे आईटी में, हां अरे एग्जाम में प्रेजेंट सर बस हो गया काम, अरे ये छोड़ो वो प्रतीक जैसवानी का पूछो, अरे वो बाहर गया भाई, मतलब एग्जाम शुरू होने वाली है, वो बाहर गया किरा था, पीते पीते वो भूल गया एग्जाम है, वो बस पकड़ के घर चला गया, उनको फोन ला के हाथ दिला था भाई तेरी एक पेपर है, अरे भाई मैं विजयनगर आ गया हूँ अब क्या करूँ, मैं भाई 20 मिनट में पेपर आ जा अभी भी टाइम है, अब छोड़ यार कौन आएगा वापस, रहने दो एटी कितनी बार तो भाई वो इतना सीरियस बंदा निकल जाता है कि लिखते टाइम पूछता क्या लिखो कॉपी में, वो पेपर का ही था उसको बता नहीं का पेपर है, हमारा लॉटरी पर का 6 बार बाद बाहर है, सोचियो 6 बार क्या कप्तानी करी मॉर्गन ने, था एक नंदिनी बंगराड़ा लड़की थी तो उसका हाथ में लिख के ले गई, हाथ में तो लिख लिया पूरा हाथे हाथ तक, उसके पीछे नेहा बैठी, उसके पीछे कुंतल बिखी थी, उन्होंने हाथ में लिखा था, है ना कुंतल और नेहा समझदार, नंदिनी बंगराड़ा बच्चा बुद्धी है, बल्कि एज में सबसे बड़ी वही है, तो ये नेहा और ये यूं यूं करके लिख रहे हैं, फर्स्ट बेंच पे बैठी थी, अब वो नंदिनी बंगराड़ा फर्स्ट बेंच पे बैठी ऐसा करके पसीना पोंछ बोले उठो ये क्या है, यहाँ तक लिख रहा था, इस हाथ में भी मेहंदी छाप रखी, तू हट पिछाड़ी का देखा इसने भी लिख रखा, तू हट पिछाड़ी का इसने भी लिख रखा, लाइन से धाड़ 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 पूरी क्लास बोले धो क्या बात, वो लिख रहा
वाले भरी हुई है ऐसे लिखता जतिन चिटिंग का लेवल अलग है उसका। यहाँ बैठा है यहाँ से कौन सी दीवार क्लियर दिख रही है सामने सर यहाँ देखेगा यहाँ देखेगा यहाँ देखेगा वो बोर्ड के साइड में लिख के आता है वो पीयू देखता प्योर चीटर गेट पे लिख देता है ना तो जैसे कोई भी अंदर आता है गेट खोल देता है तो गेट यूँ हो जाता बंद कर दो खतरनाक चीटर एकदम दूर का दिखता है मतलब अच्छा उसको आउट ऑफ क्लियर अबे आप लाए हुए उसको पहले ला देना नहीं ला देना था बोला था मैंने कितना विकेट होगा और दूसरी बॉल पे ले जाएंगे हर को सर एक भी विकेट नहीं हुआ क्या लोकी मतलब मतलब समझ में नहीं छोड़ छोड़ फर्गुसन नहीं रखा यार टीम ही नहीं बने यार अच्छा कैसे तो आ रही हूँ।